कहते हैं कुछ लोगों के साथ वक्त बिताने से सब कुछ ठीक हो जाता है, वो यूजुअली हमारे दोस्त ही होते हैं। एंड ये तो ऑब्जर्वेशन क्लियर है ना, हमारा एक दोस्त के ग्रुप में, जैसे मेरा ग्रुप ले लो, उसमें एक ड्रामेबाज होता है, एक ऐसा बंदा जो बहुत नॉटी है, एक ऐसा जो बहुत साइलेंट है लेकिन वो नॉटी वाले बंदे को कीड़ा करेगा, और एक मेरे जैसा जो हमेशा पकड़ा जाता है। तो हर एक ग्रुप में ऐसा कोई होता ही है। हमारे फिश में भी सेम बिहेवियर होता है एक ग्रुप में। आज हम ऐसे ही एक ग्रुप ऑफ फिश के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सब वो ग्रुप को देख चुके हैं एंड यू नो बहुत बार वीडियोस में देख चुके हैं। तो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं मेरे अल्टिम एंजल्स के ग्रुप के बारे में, जो मेरे बड़े टैंक में 4x4x2 वाले टैंक में था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप था, बिकॉज जब बैठ के ऑब्जर्व किया तो समझ में आया कि एक बहुत नॉटी है, बुकड़ है, एक बहुत साइलेंट है, एक ग्रुप का लीडर था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ये नॉटी वाला बुकड़ के बारे में। नाउ जब भी हम फूड देते तो ये पहले होता, ऑलवेज फर्स्ट टू कम एंड ईट द फूड। ओके, इन्वेस्टिगेशन नहीं, कुछ नहीं, हाथ डाला ऊपर आ जाता था। एंड बाकी फिश को भी वो यू नो पुश करना, कीड़ा करना, ये सब करता था। नाउ एक दिन मेरे को लगा कि बस मैं फीडिंग कर रहा था एंड आई सॉ दैट यू नो ये ग्रुप से अलग है, अलग बैठा है, थोड़ा उसका कलरेशन डार्क हो गया है। तो मैं सोच रहा था कि यू नो ये क्या हो गया। थोड़ा और नजदीक आके देखा कि पता चला उसका मुंह फूला हुआ है। बोला यार ये कैसा। ओके, तो मैं सोचने लगा कि प्रॉब्लम क्या हुआ। नाउ हमेशा मैं बोलता हूं कोई भी प्रॉब्लम समझने के लिए कुदरती क्या सिचुएशंस हो सकता है ये देखना है। नाउ वही पिछले हफ्ते में मैं ये भी ऑब्जर्व कर रहा था कि हमारे जो एल्गेटर्स है, छोटे वाले ऑटोसिंक्लर्स, वो गायब हो रहे थे टैंक में। सो ये कोइंसिडेंस मैंने समझा नहीं, बट देखो मजा। सो ऑटोसिंक्लर्स गायब हो रहे थे, और अगर मर जाते, बिकॉज ऑटोसिंक्लर्स यूजुअली क्या होता है प्रॉब्लम, जब वो लेके आते हैं ना, ज्यादा खाना नहीं खिलाते तो भूखे रहते, तो अगर खाना नहीं दिया तो वो जल्दी मर जाते। बट फिर भी हमने ककड़ी वगैरह दिया था, सब कुछ दिया था उनको, एडिशनल खाना, ताकि वो आराम से खा के रह सके, फिर भी गायब हो रहे थे। एंड मैं ये इसमें था कि बस क्या यार ऐसा कैसे। समवेयर एक फीलिंग होने लगा कि बस कुछ तो प्रॉब्लम है। एक तरफ इधर ऑटोसिंक्लेस गायब हो रहा है, एक तरफ ये हमारा जो नॉटी वाला एंजल है वो मुंह फुला के साइड में बैठा है। एंड आई एम लाइक मुंह फुलाने का रीजन, बस इंसान मुंह फुलाते हैं यार, गुस्सा होते हैं, फिश में थोड़ी ना होता ये सब। सो देन हमने उसको पकड़ा और मुंह में देखा तो मुंह के अंदर था ऑटोसिंक्लेस। तो ये बुकड़, ये ऑटोसिंक्लेस खा रहा था। नाउ ये बात क्लियरली समझो, जो एंजल फिश है ना, सामने से देख के लगता नहीं है कि उनका मुंह इतना बड़ा है, फ्रंट में बहुत छोटा दिखता है मुंह, बट एक्चुअली एक फनल जैसा है। जब वो खोलते हैं कुछ खाने के लिए तो ज्यादा ओपन होता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो मैंने उसको स्लो मोशन में किया है, ताकि आपको समझ में आए कि ये मुंह कितना बड़ा खुल सकता है। सो हमारे ऑब्जर्वेशन से हम एक साइज का खाना खिलाते हैं उसका मुंह देख के, बट असलियत में कुछ और ही है। एंड अल्टिम एंजल, सबसे बड़ा एंजल, तो बस बहुत कुछ खाएगा, कार्डिनल्स, रमिनोज। ऑटोसिंक्लेस में उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बिकॉज ऑटोसिंक्लेस फिश जो है उसके गिल्स के बाजू में जो फिन्स होता है, पेक्टोरल फिन, वो कांटे जैसा होता है या बाब जैसा होता है, हार्ड होता है, और अगर अटक गया तो फिश गया। नाउ ये साहब मुंह फुला के बैठे थे, तो मतलब तब कनेक्शन लगा कि बॉस हो सकता है इसने कुछ खाया है और अटक गया है। तो संदीप ने उसको पकड़ा, अब मेरा हाथ तो हिलता है, बॉस मेरे से नहीं होता है। ओके, ऐसा डरता नहीं हूं,
बट यू नीड स्टेडी हैंड्स, एक डॉक्टर का हाथ चाहिए ना, तो अपना संदीप का हाथ बहुत स्टेडी है पकड़ा और बहुत धीरे से, ऑलमोस्ट एक मिनट लगा उसको हल्के से, बिकॉज रिमेंबर काटा है, अगर हम खींचेंगे तो कट जाएगा, मुंह कटेगा प्रॉब्लम, तो बहुत धीरे से अंदर छोड़ के बाहर निकाल के, अंदर छोड़ के बाहर निकाल के उसको बाहर निकाला। एंड लकीली हमारा एंजल मिस्टर बुकर, मिस्टर नॉटी, वो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली ऑटो सिंकलस मर गया था। अब क्या करें, किसी को तो बचाना था ना, बचा लिया उसको, बट हो सकता कि ऑलमोस्ट फॉर 1 or 2 days वो मूव में था, ऑटो सिंकलस अटका हुआ था, तो शायद अंदर या अंदरूनी गांव हो सकता था, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल डाइट दिया। एंड ये डाइट जो है पब्लिक में लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग में था, हम टेस्ट कर रहे थे कि इसका क्वालिटी कैसा है, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला हमें। एंड उस स्पेशल डाइट था हमारा लार्ज साइज का ट्रॉपिकल ट्रीट और न्यूट्रो प्लस, यही दोनों। क्यों? ट्रॉपिकल ट्रीट में हीलिंग प्रॉपर्टीज है, इसमें मोरिंगा है, पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट है, एस्परागस एक्सट्रैक्ट है, जो अंदर से गांव को भरते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, कोई भी गांव है या पेट में या अंदर, वो हील करता है, तो ट्रॉपिकल ट्रीट। एंड न्यूट्रो प्लस ऑफकोर्स पेट साफ रखता है एंड इसमें भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है। ओके, तो ये दोनों को मिला के हमने उसको एक हफ्ता खिलाया एंड ही वॉज बैक टू नॉर्मल, फिर से एज नॉटी एज एवर, एज बुकर्ड एज एवर, ठीक है, अगेन फर्स्ट टू ईट द फूड। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बना जहां से हम लोगों को सीखने को मिलता है। ऐसा ये नहीं है कि बिगिनर है या सीनियर है या प्रोफेशनल है, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग भी एक्सपर्ट बोल सकते हैं, बट मछली हमें बहुत कुछ सिखा देता है। एंड इसमें से हमें सीख क्या मिला कि अनप्रेडिक्टेबल है हमारा एक्वेरियम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमें ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है, एंड जब कोई प्रॉब्लम हो तो बिना डरे उस सोल्यूशन की तरफ जाना है एंड गुड प्रोडक्ट्स यूज करना है ताकि वो हमारा फिश वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए। ये बहुत छोटा वीडियो है, बहुत सिंपल पॉइंट्स है, एक एक्सपीरियंस मैं आपसे बता रहा हूं एंड मैं आशा करता हूं कि इसमें से भी आपको कुछ सीखने को मिला, एक कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला, ऑब्जर्व करने को मिला, एंड लकी है हम लोग उसका वीडियो निकाल लिए एंड आप भी उसको देख रहे हो और कुछ नया देखने को मिल रहा है आपको, राइट। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम एंड ऑफकोर्स संदीप की तरफ से भी जिन्होंने वो रेस्क्यू किया फिश को, हम सब के तरफ से आपको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिश, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बन रहे हैं, तो जुड़े रहो, बने रहो, सब्सक्राइब करो, सबसे सब्सक्राइब कराओ, ऐश करो, एंजॉय करो, बाय बाय।